एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आस्था साइंस। आई एम आस्था विद यू। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दिस इज द चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास इज एनसीईआरटी साइंस बुक। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम कॉन्सेप्ट लाइक सोइंग, सेलेक्शन ऑफ सीड्स एंड मोर कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो दिस इज द पार्ट थर्ड वीडियो। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर दैट आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द आई बटन। यू कैन सी दैट वीडियो बाय दैट लिंक्स। सो सोइंग, फर्स्ट हमारा टॉपिक है सोइंग। तो सोइंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। हम लोग देखेंगे लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन। सो सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप के प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट? सोइंग होता है। सोइंग का मतलब होता है सीड्स को सो करना, किसमें? हमारे सोइल में। बिफोर सोइंग सो करने से पहले गुड क्वालिटी, क्लीन और हेल्दी सीड्स और गुड वैरायटी ऑफ सीड्स की ज़रूरत होती है। फार्मर्स हमेशा हाई यील्डिंग वाले ही सीड्स को प्रेफर भी करते हैं। सो अब देखते हैं किस तरीके से फार्मर्स एक तरह से सेलेक्ट करते हैं इसको, सेलेक्शन ऑफ सीड। वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम ग्राम सीड इन द वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर ए फ्यू मिनट सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन ए टॉप। आई वंडर why some seeds float on water। अब एक पहेली है, पहेली की जो मदर है उन्होंने क्या किया, ग्राम एक ग्राम का सीड्स को एक वेजल में डाला और उसी के ऊपर क्या पर कर दिया, वाटर डाल दिया। तब कुछ टाइम बाद पहेली ने ऑब्जर्व किया कि जो सीड्स, कुछ सीड्स हैं जो फ्लोट करने लगे, मतलब कि वाटर पे फ्लोट करने लगे वाटर के टॉप पर। अब पहली वंडर कर रही थी क्यों ये फ्लोट कर रहे हैं सीड और क्यों वो सीड्स नीचे सेटल डाउन है। अब ये जो एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.1, ये सेम ही थिंग है जो पहली की मदर ने किया था, बट चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट। अब आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसे हाफ ऑफ इट फिल कर देना है वाटर से, और पुट ए हाफ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टायर वेल। अब आपको हैंडफुल ऑफ किस क्या लेना है, एक तरह से वीट के सीड्स लेना है, अच्छे से स्टायर वेल कर, अच्छे से एक तरह स्टेयर कर देना है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए आपको अब रुकना है। देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक्स। अब क्या ये जो एक तरह सीड्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं वाटर पे, वो क्या हल्के हैं या फिर भारी हैं उनसे जो सिंक कर रहे हैं वाटर में? सिंक का मतलब जो सेटल डाउन है हमारे बॉटम में, मतलब एकदम नीचे सेटल डाउन है। वाई वुड दे बी लाइटर, अगर लाइटर हैं तो क्यों लाइटर हैं? डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। और जो डैमेज सीड्स जो होते हैं वो क्या होता है ना कि वो एक तरह से होलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, मतलब खाली होते हैं अंदर से। सो इस वजह से वो लाइटर रहते हैं उससे, तो देयरफॉर इसी वजह से वो क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर पर। दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड एंड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस। अब ये अच्छा मेथड है किसका, सेपरेट करने का गुड और हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड्स से। सो बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब सो करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि टूल्स के बारे में भी जानना है, उन टूल्स के बारे में जो सीड्स को सो करते हैं एक तरह से। अब ट्रेडिशनल टूल्स की बात करें तो द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। अब वो टूल्स जो ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं हम लोग सो करने के लिए सीड्स को,
वो एक तरह से शेप्ड फनल लाइक शेप्ड रहता है उनका, द सीड आर फील्ड इन टू द फनल, और वो जो सीड्स होते हैं वो फनल में एक तरह से क्या कर देते हैं, फील्ड कर देते हैं, पासिंग डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, और जो पास होते हैं दो से तीन पाइप्स हैं जिनके पास शार्प एंड्स होते हैं, दीज एंड पिच इन टू द सॉइल द प्लेस सीड देम, अब और वो जो शार्प एंड होते हैं ना वो कहाँ होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, वहीं पे सीड्स जाके प्लेस हो जाते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ये इमेज कौन सी है, दिस इज़ ए फिगर 1.8 पार्ट ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग कम। सो इन दिस मैंने आपको बताया क्या, इसमें आप देख सकते हो टू फार्मर्स है, जो फनल लाइक एक उसका स्ट्रक्चर है, ओके टूल है ये एक फनल लाइक, एंड वो उसे आकर के कहाँ गई है, हमारे सॉइल में गई है, इधर से लैंड में गई है, एंड देन वहाँ से वो फनल में क्या कर रहे हैं, सीड्स को डाल रहे हैं एंड वो प्लेस कर दे रहे हैं डायरेक्ट हमारी लैंड में सॉइल में, ओके देन अब सीड ड्रिल क्या होता है, नाउ इट इज द सीड ड्रिल देर वी कैन सी फिगर 1.2b। अब आप इस फिगर 1 में देखो ये क्या है, सीड ड्रिल है, क्या है, सीड ड्रिल है, ओके सो अब ये सीड ड्रिल है, ये अब के टाइम पे यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, अब ट्रैक्टर के यूज़ से एक तरह से क्या करते हैं, हम सो करते हैं सीड्स को, दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, और ये क्या करता है ना सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे सो कर देता है यूनिफॉर्मली, और इक्वल डेप्थ मतलब कि वो कितना नीचे है वो इक्वल डेप्थ सबकी रहती है, इट इंश्योर्स दैट सीड कवर बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और ये भी ये इंश्योर करता है कि जो सीड है सॉइल एक तरह सीड है वो फिर से सॉइल के द्वारा कवर हो जाता है, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बींग ईटन बाय बर्ड्स, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड्स को जिससे क्या हो सीड्स एक तरह से बर्ड के द्वारा ईट ना किए जाए, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, और जैसे हम लोग जब सीड ड्रिल से एक तरह से क्या करते हैं सो करते हैं सीड्स को, तब ये क्या सेव करता है, टाइम को लेबर को, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, अब यहाँ पे क्या है भुजो है वो कह रहा है मैंने मेरे स्कूल के बगल में नर्सरी है, सो मैंने वहाँ पे फाउंड किया, उसने फाउंड किया कि प्लांट्स एक स्मॉल बैग्स में केप्ट किए गए हैं, क्यों ये केप्ट किए गए हैं, इनका रीज़न क्या है, अब भुजो जानना चाहता है तो पहली बोलती है सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स, ओके सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी, पहली कहती है सीड्स किसके, पैडी के सीड्स जो होते हैं कुछ प्लांट्स के, और जैसे कि पैडी हो गया वो पहले उसे नर्सरी में ग्रो किया जाता है, आफ्टर व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, फिर जब वो सीडलिंग्स में ग्रो हो जाते हैं दे आर प्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली, फिर उसके बाद जब वो उनमें सीडलिंग्स ग्रो हो जाती हैं तब उसे क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेड किया जाता है मैनुअली तो दूसरी एक तरह से फील्ड में, सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स और फॉरेस्ट प्लांट्स भी ऐसे ही नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं, अब अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी, अब सही डिस्टेंस ज़रूरी है नेसेसरी है जिससे क्या हो अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट, इससे क्या होगा अगर सही डिस्टेंस पर अगर सीड्स रहेंगे तो क्या होगा ओवर क्राउडिंग नहीं होगी प्लांट्स की, सो दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सनलाइट, अब ये क्या अलाउ करेगा सफिशियंट सनलाइट गेट करे न्यूट्रिएंट्स और वाटर कहाँ से सोइल से, एट टाइम ए फ्यू प्लांट्स में हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट
ओवरक्राउडिंग, अगर ओवरक्राउडिंग हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, कुछ एक तरह से प्लांट्स को रिमूव करना पड़ता है। ओके, सो आफ्टर दिस हमारा क्या टॉपिक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चलिए ये भी देखते हैं। सो द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं। क्यों ऐड किए जाते हैं, फॉर्म इन टू द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में एक तरह से ऐड किए जाते हैं जिससे जो प्लांट है ना उसकी ग्रोथ हेल्दी ग्रोथ हो। उन्हें हम लोग जो चीज़ें ऐड की जाती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, उन्हें हम लोग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ओके, आफ्टर दिस बुजू क्या कह रहा है, आई सॉ ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म इन द नियर बाय रिंग फार्म। द प्लांट वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। अब उसने भुजो है क्या कह रहा है कि उसने देखा एक दिन हेल्दी क्रॉप ग्रो की गई थी इधर से फार्मर में और इन द नियर बोरिंग में, मतलब कि जो दूसरे उसके बगल में जो फार्म था उसमें प्लांट्स बहुत ज़्यादा वीक थे। क्यों, अब वो जानना चाहता है कि क्यों जो ग्रोथ है प्लांट की कहीं कहीं अच्छी, ज़्यादा अच्छी हो जाती है, कहीं कहीं थोड़ी कम अच्छी होती है। सम सप्लाई सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। अब जो सॉइल होती है वो क्या सप्लाई करती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है क्रॉप प्लांट्स तक। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं इन सर्टेन एरिया, कुछ सर्टेन एरियाज में। फार्मर ग्रोज क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, मतलब कि एक तरह से जो फार्मर होता है उसकी जितनी भी लैंड होगी, फार्म लैंड उसकी जितनी भी बड़ी होगी, वो एक बार जैसे क्रॉप ग्रो कर लेता है देन कट कर लेता है, फिर आप फिर से उसी एक तरह से उसी फील्ड पर क्या करता है, क्रॉप को ग्रो करता है। इसी वजह से जो फील्ड होती है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नज़र नहीं आती है। इमेजिन वॉट हैपन टू द न्यूट्रिएंट। अब इमेजिन करो क्या होगा, इमेजिन वॉट हैपन टू न्यूट्रिएंट। ओके, कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। अब अगर कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, अगर आप कंटिन्यूसली किसी भी फार्म लैंड पर इधर से बार बार कल्टिवेट करोगे, कंटिन्यूसली क्रॉप्स को कल्टिवेट करोगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी सॉइल क्या होगी, पुअर होती जाएगी, ख़राब होती जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते जाएंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि भाई वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाएंगे, हमारे फूड में। सो दैट्स व्हाई उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, वो तो प्लांट यूज़ कर लेगा ना उनके सारे न्यूट्रिएंट्स को। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। अब तो इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो ऐड करते हैं मैन्योर्स को अपनी फील्ड में, जिससे वो रिप्लेनिश करे सॉइल को विद न्यूट्रिएंट्स के साथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। सो इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट ए वीक प्लांट्स, और इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग हुई तो ये क्या है, ये रिजल्ट है हमारे वीक प्लांट्स का। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अब ये जो मैन्योर है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ओके, दैट आर ऑब्टेंड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज, और
मैन्योरिंग एक जैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेंड करते हैं फ्रॉम जो डिकम्पोज्ड और प्लांट और एनिमल के वेस्टेज होती हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। अब फार्मर्स क्या करते हैं, डंप करते हैं एक प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को एक पिट में रख करके एंड देन क्या करते हैं ओपन प्लेस पे रख देते हैं जिससे वो क्या होता है अलाउ एक तरह से डिकम्पोज हो जाता है। देन अब क्या होगा कि तरह डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो डिकम्पोजिशन होती है ना ये किसकी वजह से होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो डिकम्पोज मैटर होता है ना ये यूज किया जाता है जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह। देन यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कम्पोस्टिंग इन क्लास सिक्स। हमने क्लास सिक्स की तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, उसमें आपका जो लास्ट चैप्टर है उसमें आपको वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बताया गया है किस तरीके से वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। ओके आफ्टर दिस फर्स्टली वी हैव टू सी दिस एक्टिविटी, आफ्टर दैट विल गो टू अदर वन। टेक मूंग और ग्राम सीड्स, आप मूंग और ग्राम तो और जर्मिनेट देम एंड फिर उसके बाद जर्मिनेट करो उन्हें। सेलेक्ट तीन इक्वल साइज के सीडलिंग्स, तीनों इक्वल होंगे। टेक थ्री एम्प्टी ग्लासेस और तीन ग्लासेस लो खाली खाली सिमिलर वेजल्स एक ही टाइप के एक ही तरह के। देन मार्क देम ए बी सी, अब उन्हें ए बी सी की तरह मार्क कर दो। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद ए लिटिल काउडंग मैन्योर। अब आप ए वाले में क्या करो कि अमाउंट ऑफ सॉइल एक तरह से लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल डालो, उतनी ही डालो जितने आप सब में डालने वाले हो ठीक। और फिर उसमें थोड़ा सा काउडंग दे दो, काउडंग मैन्योर डाल दो। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको सारे ग्लासेस में सेम अमाउंट ऑफ सॉइल डालनी है, अब उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ सॉइल डाल दो। फिर उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा यूरिया क्या कर दो मिक्स करो। टेक सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी, अब आपको सी ग्लास में भी सेम अमाउंट ऑफ सॉइल को ही एक तरह से सॉइल को डालना है विदाउट एनीथिंग। अब आप उसमें कुछ नहीं डालो, कुछ भी नहीं उसमें मिलाओ। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लासेस, अब आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर को हर दिन ऐसे डालोगे, हर ग्लासेस में आपको सेम अमाउंट ऑफ वाटर को ही डालना है। एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम, कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, अब आपको उन्हें सेफ प्लेस पर रखना है और हमेशा वाटर करना है। आप 7 से 10 दिन बाद आप उसे ऑब्जर्व करना, 7 से 10 दिन में आप उसकी ग्रोथ को केवल ऑब्जर्व करो। ओके आप उसकी ग्रोथ को क्या करो ऑब्जर्व करो। अब ये आप देख सकते हो इसमें सेम टाइप ग्लासेस लिए एंड वो यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये क्या कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट जो हमारा मेन जो हम लोग देखना चाहते हैं क्या होने वाला है वो हमें 1.3 में दिखाई दे रहा है। अब ग्रोइंग सीडलिंग्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अब ग्रोइंग सीडलिंग्स किसके साथ मैन्योर और फर्टिलाइजर के साथ। ए में देख सकते हो आपने क्या डाली थी, थोड़ी सी काउ डंग डाली थी ना एंड सेम अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हर चीज़ डाली थी, बस थोड़ा सा काउ डंग डाला था। तो आप उसमें देखोगे वो थोड़ा सा हेल्दी है हमारे सी वाले से जिसमें हमने कुछ नहीं मिलाया था, कोई भी फर्टिलाइजर या मैन्योर नहीं मिलाया था। तो आप ये देख सकते हो कि क्या हुआ यहाँ पे, ए में थोड़े से अच्छे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स थे तो क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ी अच्छी ग्रोथ हुई। बट आप बी वाले में देखोगे वो फर्टिलाइज़र उसमें पड़ा है यूरिया। सो इस फर्टिलाइज़र में आप क्या देख रहे हो, इस ग्लास में बी वाले ग्लास में देख रहे हो इसकी ग्रोथ ए वाले से भी अच्छी हुई है।
सो इसका मतलब हमारी जो सोइल होती है उसे किसकी ज़रूरत होती है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की। एंड प्लांट्स को मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की क्यों ज़रूरत होती है, इसलिए होती है जिससे उन्हें अच्छे से सफिशिएंट एक तरह से न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या सेम पेस मतलब सेम साइज की क्या सारे उसमें उगे हैं, सारे ग्लासेस में ग्रो हुए हैं सेम प्लांट। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ, ऑफ कौन सा ग्लास एक तरह से बेटर ग्रोथ कर रहा है एक तरह से प्लांट, कौन से ग्लास की प्लांट कौन से ग्लास का प्लांट अच्छा बेटर ग्रो कर रहा है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्ट, और कौन से ग्लास में ग्रोथ फास्ट, ये सब मैंने आपको बता दिया। फर्टिलाइजर्स, अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनके पास हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाउएवर जबकि जो डिफरेंट मैन्योर डिफरेंट होता है, तो आपको ये पता चला। कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। यूरिया जो हमने डाला था, अमोनियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट पोटैश एन पी के दैट इज़ नाइट्रोजन फॉस्फरस पोटैशियम। सो द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट पेडी एंड मेज। अब ये बेटर यील्ड तब होती है जब फार्मर अपने फील्ड में क्या करता है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज़ करता है। लेकिन एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैड मेड सॉइल लेस फर्टाइल। हाँ, लेकिन फ़ायदा तो है इसका, ये बहुत अच्छी यील्ड करता है, लेकिन ज़्यादा यूज़ अगर करोगे फर्टिलाइज़र का तो क्या करेगी, वो सॉइल को लेस फर्टाइल कर देगी। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना, ये वाटर पॉल्यूशन का भी एक तरह से सोर्स होते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक तरफ तो ये फार्मर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ख़राब है। ओके, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है एंड सॉइल भी लेस फर्टाइल बना देता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और हमें फर्टिलिटी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे भी मेंटेन करके रखना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। ओके, सो द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्स्चर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इस रिप्लेनाइज द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब ये फिर से रिप्लेनिश करता है किसको, सॉइल को, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को, सॉइल के साथ उनके न्यूट्रिएंट्स को। एंड जो मैन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के टेक्स्चर को एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी बनाए रखते हैं। तो जो दूसरा मेथड है रिप्लेनिशिंग सॉइल को रिप्लेनिश करने का विद न्यूट्रिएंट्स के साथ है क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अब आप क्या करना, अल्टरनेटली डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को क्या करना रहता है, इनमें ग्रो करना रहता है। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया यूज टू ग्रो लीगम्स एज फूडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। अब अर्लियर जो फार्मर हुआ करते थे हमारे नॉर्थ इंडिया के, वो क्या करते थे ना, ग्रो करते थे लीगम्स एज ए फूडर एक सीजन में और अगले सीजन में वीट को ग्रो करते थे। और ये हेल्प करता है ना उनको कि रिप्लेनिशमेंट में, किसके रिप्लेनिशमेंट में, सॉइल विद नाइट्रोजन के। अब फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। अब ये फार्मर है वो इनकरेज करता है किसको अडॉप्ट करने में, इस प्रैक्टिस को। इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा किसके बारे में, रिबोजियम बैक्टीरिया के बारे में। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे रूट्स के नूडल्स में, नोड्यूल्स में, ओके, नॉट नूडल्स, नोड्यूल्स में, रूट्स के ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स में फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये क्या फिक्स करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। सो इसमें हमें क्या दिया है कि एक तरह से
डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में क्या डिफरेंट है? फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, बट मैन्योर्स अपने आप ही डिकम्पोज हो जाते हैं, नॉट ये नेचुरल सब्सटेंस है जो कैटल डंग प्लांट से हमें मिलता है। सो अब फर्टिलाइजर में प्रिपेयर होते हैं फैक्ट्रीज में, बट मैन्योर नहीं होते, मैन्योर फील्ड में होते हैं। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड एनी ह्यूमस, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते सॉइल में, बट मैन्योर करते हैं। फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट मैन्योर्स में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। सो अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स देख लेते हैं। अब ये एक टाइप का ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर है जो इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, इसे कंसिडर किया जाता है फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छा। बट आपने अभी देखा था एक्टिविटी में जो यूरिया था, जिसमें यूरिया मिक्स था, वो ज़्यादा अच्छा ग्रो किया था, तभी मैन्योर कैसे ज़्यादा एक तरह से बेटर है? वो इसलिए क्योंकि जो मैन्योर्स होते हैं ना वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हमारी सोइल को, और हमारे सोइल को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, बट फर्टिलाइजर्स करते हैं। सो इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, जो मैन्योर होता है वो इन्हेंस करते हैं किसको, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को सॉइल की इन्हेंस करते हैं, और ये बनाते हैं मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजली। अब ये पोरस भी बनाते हैं सॉइल में, जिससे क्या होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना हमारे प्लांट्स में, उसे अच्छे से एक तरह से ईजिली होने देते हैं। सो इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये फ्रेंडली माइक्रोब्स के भी नंबर को इंक्रीज करते हैं। फ्रेंडली माइक्रोब्स जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे फार्मर के, सो वही फ्रेंडली माइक्रोब्स, एंड देन इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। अब ये इम्प्रूव करता है टेक्सचर ऑफ सॉइल। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इरीगेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इरीगेशन की। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव नाइस डे। आपको मैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।